ओके, तो अभी हम लोग जो है जो रिमेनिंग बचे हुए क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन नंबर जो है 11 पीछे छूट गया था। थोड़ा बड़ा था इसलिए जो है किसी वीडियो में बीच में आधा अधूरा एक तरफ ऐसा हो जाए, इसलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 11 तो कह रहा है कि बॉल ऑफ मास 100 ग्राम ड्रॉप्ड ऑन अ ग्राउंड फ्रॉम 5 मीटर बाउंसेस रिपीटेडली ड्यूरिंग एवरी बाउंस 64% ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। कैलकुलेट द फॉलोइंग। ओके, फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, पहला। तो पहले तो हम लोग सिचुएशन देखते हैं क्या क्या है। मास कितना दे रखा है उसने, 100 ग्राम मींस कितना, 0.1 किलोग्राम, ठीक। ड्रॉप ऑन अ ग्राउंड फ्रॉम 5 मीटर बाउंसेस रिपल, तो एच कितना है, 5 मीटर है, और जो बाउंस करता है रिपीटेडली ड्यूरिंग एवरी बाउंस 64%, क्या होता है कि इसकी इसमें जो ईच एंड एवरी बाउंस के बाद उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो उस समय के पोटेंशियल एनर्जी का 64% ही रिबाउंस होता है, ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन है। ओके, अब वो कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, 64% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक। तो पहले हम लोग बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पर। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इसका मतलब कि ये ऑब्जेक्ट यहां पर इनिशियली ये क्या है, जीरो पे है, यहां से गिरा 5 मीटर पे, यहां पर आया ये, यहां तो यहां बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इट्स वेलोसिटी विल बी क्या हो जाएगा। पहले वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, तो वी स्क्वायर फाइनली यही तो हमें निकालना है, और ये 0 प्लस 2, और ये g कितना, -10 इंटू एच कितना, -5, तो ये कितना हो गया 100, तो वी इक्वल टू रूट के अंदर ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आ गया जो है, कितनी आ गई वेलोसिटी, 10 मीटर, ठीक, मीटर पर सेकेंड से ये स्ट्राइक करेगा मतलब टकराएगा। तो बहुत अच्छा, यहां से हमें ये पता चल गया कि जब ये टकराएगा तो कितनी वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकेंड से ये कुछ तो भी टकराएगा। बट जब फर्स्ट रिबाउंस करेगा तो उस समय फर्स्ट रिबाउंस के लिए उस समय जो काइनेटिक एनर्जी है मतलब होगी, फर्स्ट रिबाउंस में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इस समय के पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एमजीएच मल्टीप्लाइड बाय 64%, इतनी होगी। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच 0.1 इंटू 10 इंटू ये कितना 5, तो ये इंटू 64 डिवाइड बाई कितना 100, और इसका जो है कैलकुलेशन आ जाएगा, इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 5, और ये 0.64, ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.64। अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.2 और ये तो 3.2 आ गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितनी आ गई, 3.2 जूल। अच्छा, अगर काइनेटिक एनर्जी आ गया तो इस समय अगर इतनी काइनेटिक एनर्जी है तो किस वेलोसिटी से जाएगा, जो फर्स्ट रिबाउंड है उसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगी हाफ एम इंटू वी वन स्क्वायर इक्वल टू 3.2, और ये वी टू वी वन स्क्वायर इक्वल्स टू 6.4 डिवाइड बाई कितना 0.1 मास, ये आ गया 64। अभी V1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड, ये ऐसा है वेलोसिटी, ठीक है। इसका मतलब कि अब इस वेलोसिटी से ये
कितनी आ गई वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब पहले से कम है। तो जाहिर सी बात है कि अगर अगर 10 होती तो वो उसी हाइट को जाता, तो जब लेस हो गई, कम हो गई, तो हाइट भी कम होगी। तो अब इसका जो है फर्स्ट रिबाउंस में कितनी हाइट पे जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, हम लोग कैसे निकालेंगे हाइट के लिए, कैसे जो है ये नाउ अप्लाइंग काइनेटिकल इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। आइए देख लेते हैं, फाइनली ये यहां जाकर के ये तो जीरो होना ही है इसका, ठीक है, ये जो है जीरो होना ही है। तो ये वी टू, ये वी वन, ठीक है, तो ये जीरो हो गया। वी वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64 और माइनस टू, और जी की वैल्यू तो 10 रहेगी इनटू एच वन, एच वन की फर्स्ट हाइट इज इक्वल टू 64 इज डिवाइड बाय कितना 20, और ये आ जाएगा 3.2 कितना मीटर, ये लीजिए पहला रिबाउंस में कितना गया 3.2 मीटर, मतलब 5 से अभी कितना बच गया 3.2, एच वन इज इक्वल टू 3.2 मीटर। ओके, और इस समय जो है ये जो हाइट इतनी गई, अब जब आएगी तो टकराएगी कितने से, सेम वेलोसिटी से टकराएगी, बट रिबाउंस होगा तो उसका जो है उस पोटेंशियल एनर्जी का 64% हो जाएगा। लेकिन अभी सवाल ये नहीं है, पहला जो इसने पूछा है फर्स्ट वाला, उसने कहा है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अगर हम लोग फर्स्ट की बात करें तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू क्या है, पहले ये सॉल्व हो जाएगा फिर आगे बढ़ता रहेगा। तो ये होगा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मतलब वी टू माइनस वी वन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यू वन माइनस यू टू। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये कहती है कि वी टू मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो यहां दो ऑब्जेक्ट बनेंगे, एक तो बॉल और दूसरा ग्राउंड, तो ग्राउंड इसका सेकेंड ऑब्जेक्ट है, तो जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेलोसिटी होगी आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद भी जीरो, कोलिजन के पहले भी जीरो, तो ग्राउंड तो जीरो में रहेगी, जीरो माइनस वी वन, वी वन मतलब फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कितना है 8, तो 8 मतलब किधर अपवर्ड प्लस 8, तो ये माइनस जो है 0 माइनस 8। यू वन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन कितनी थी 10, बट किधर डाउनवर्ड -10। माइनस यू टू मतलब कि यही ग्राउंड, यह कितना जीरो, कितना हो गया -8 अपॉन -10, तो ये आ गया 0.8। वाह, आपका आंसर हो गया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.8। आ गया आंसर, ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। अब अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड में उसने ये कहा है कि स्पीड विथ विच द बॉल कम्स अप फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर थर्ड बाउंस। थर्ड बाउंस में जैसे कि फर्स्ट रिबाउंस है, मतलब बाउंस है, ऐसा सेकंड होगा और ऐसा थर्ड होगा, तो कितना होगा, एक का तो हम लोगों ने निकाल लिया, अभी आकर के टकराएगा और फिर दोबारा किस वेलोसिटी से उठेगा, और फिर जब जा करके फिर आएगा टकराएगा और तब कितने से, वो थर्ड वाला बताना है। तो हमने कितना पहला निकाल दिया कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये होगा और ये एच वन होगी 3.2। अच्छा, तो इसको अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ये हो गया एच वन 3.2 हो गया, मतलब तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, अभी ऊपर से मिटाना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, क्योंकि इसमें तो एक दो ब्लैक बोर्ड आपको लिखना ही पड़ेगा। तो ये जो है आप नोट करते रहें क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो यहां से मैं आपको मौका देता रहूंगा नोट करने के लिए। तो देखिए, ये जब यहां से गया तो कितनी होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सेकंड राउंड के लिए एम जी कितनी एच टू या एच वन जो भी है, तो ये एक्चुअली 0.1, 10, एच वन कितना 3.2 और ये कितना आ जाएगा 3.2 जूल। ये है पोटेंशियल एनर्जी फॉर सेकंड रिबाउंस,
तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होगा, ये 3.2 इंटू 64 डिवाइड बाय कितना 100, तो ये हो गया 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.64। ओके, जब हम लोगों ने जो है सेकेंड टाइम का जो है क्या निकाला, MgH निकाल दिया और उसका 64% ले लिया और मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आएगा 2.048। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.048 ये सेकेंड राउंड की पोटेंशियल एनर्जी होगी, कितना ये जूल। ठीक है, आगे बात करते हैं तो अब जब ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई तो अब इस सॉरी ये काइनेटिक एनर्जी है, तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर अब यहां से वेलोसिटी पता कर लेते हैं, हाफ एम इंटू वी टू स्क्वायर इक्वल टू 2.048। देयरफॉर वी टू स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, वी टू स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 4.096 डिवाइड बाई कितना 0.1 इक्वल्स टू 40.96। देयरफॉर वी टू इज इक्वल्स टू कितना आएगा, रूट ओवर 40.96 इज इक्वल्स टू, जैसे हमने इसका रूट लिया तो हमें पता चला 6.37, कितना आ गया 6.37 मीटर पर सेकेंड। ये लीजिए वी टू की वैल्यू आ गई 6.37 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी सेकेंड रिबाउंड वेलोसिटी है, ये 6.3637 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इस वेलोसिटी से वो कितनी हाइट को जाएगा, अब जो है ये इस वेलोसिटी से कितनी, ये फर्स्ट वाला हो गया कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपका, अब इस वेलोसिटी से वो कितनी हाइट तक जाएगा, भाई हाइट हाइट निकालनी पड़ेगी, तो हाइट जो है अब क्या होगा कि अब वेलोसिटी और कम हो गई तो कुछ कम ही हाइट जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हो गया, सेकंड है, अब थर्ड की बात करेंगे, तो थर्ड पर आपका आंसर पूरा होगा। तो यहां से ये कितना होगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as v स्क्वायर, फाइनली तो ये जीरो ही होना है, जो भी है फाइनली तो जीरो होगा, तो इनिशियली कितना था 6.37 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू H2, therefore H2 is equals to कितना कितना आया आंसर 40.96 is divided by कितना 20 is equals to 2.048 H2 is equals to कितना आ गया 2.048 मीटर। अच्छा, इतनी हाइट चला गया, बहुत बढ़िया, ये इसकी हाइट हो गई H2 2.048 कितना मीटर। अच्छा, अब इसमें इसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, अब उसकी इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अब जो भी बात हो रही है थर्ड मीटिंग के लिए बात हो रही, अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये होगा एम जी एच टू, एम कितना 0.1, जी 10 और ये एच टू वैल्यू कितनी आ गई 2.048 और ये फिर से कितनी आ गई 2.048 ऑफ जूल। देयरफॉर उसकी काइनेटिक एनर्जी, अब रिबाउंसिंग, अब जब रिबाउंस होगा आकर के, अब दोबारा जब रिबाउंस होगा तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये 2.048 मल्टीप्लाइड बाई 64 डिवाइड बाई कितना 100।
अब जब ये करेंगे तो ये आ जाएगा आफ्टर सॉल्विंग वी गेट कितना इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो आएगी 1.31 कितना जूल। देयरफॉर v3 जिस वेलोसिटी से अब ये ऊपर उठेगा मतलब v3 रिबाउंसिंग वेलोसिटी इक्वल्स टू यही इसने क्वेश्चन में पूछा है तो ये हो जाएगा रूट के अंदर कितना 1.31 इंटू 2 डिवाइड बाई 0.1 इसको मल्टीप्लाई करने के बाद और 0.1 से डिवाइड करने के बाद अभी जो ये आएगा ये हो जाएगा कितना 26.2 और फिर जब हम लोग इसका रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 5.11 कितना आ जाएगा 5.11 मीटर पर सेकेंड। ये रही v3 मतलब थर्ड टाइम रिबाउंस होगा तो 5.11 मीटर पर सेकेंड ये आपका आंसर होगा मतलब आ गया v3 वैल्यू v3 इज इक्वल्स टू 5.11 मीटर पर सेकेंड ये आंसर हो गया। ठीक है ये अपना आंसर हो गया। अब ये तो आंसर अब आगे बढ़ते हैं मतलब ये सेकेंड का आंसर था। थर्ड सी इंपल्स गिवन बाय द बॉल टू द ग्राउंड ड्यूरिंग दिस बाउंस इस बाउंस के समय कितना वो इंपल्स देगा तो आइए जो है सी की बात करते हैं तो इंपल्स इज इक्वल्स टू एम इंटू फाइनल वेलोसिटी v3 माइनस कितना v2 0.1 v3 की वैल्यू कितनी 5.11 माइनस v2 कितना कितने से v2 स्ट्राइक कर रहा है v2 इज इक्वल्स टू 6.73 तो जो 5.13 है वो अपवर्ड जा रहा है और ये v2 कितना है माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस 6.37 ओके अभी इसको ऐड करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 8 और ये 4 और ये 11 और ये 0.1 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 1.148 तो ये होगा इंपल्स इज इक्वल्स टू 1.148 या 1.15 न्यूटन सेकेंड ये लीजिए इंपल्स आ गया। ठीक है ये अपना जो है नेक्स्ट हो गया मतलब कौन सा सी। अब कह रहा है एवरेज फोर्स एग्जर्टेड बाय द ग्राउंड इफ दिस इंपैक्ट लैस्ट फॉर 2.5 मिलीसेकंड तो यहां से जो है जब हम लोग है ना नोट किया ही होगा आपने आपको नोट करना पड़ेगा नहीं तो फिर ये हो नहीं सकता। तो फिर अभी पता है जो है कि डी वाले में क्या कहता है पता है कि इंपल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है एवरेज फोर्स इनटू टाइम इंटरवल देयरफॉर एफ एवरेज इज इक्वल्स टू इंपल्स अपॉन टाइम टेकन तो इंपल्स कितनी है इंपल्सिव फोर्स जे इज इक्वल्स टू 1.15 इज डिवाइडेड बाय कितना कितना कहा उसने 250 मिलीसेकंड डिवाइड करेंगे 9.2 आ जाएगा इंटू 10^3 कितना 3 ठीक है ये आ जाएगा जो है आफ्टर डिवीजन 9.2 इंटू 10^4 कितना 4 कितना क्या 9.2 ये क्या है एवरेज फोर्स सॉरी इसको जो हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करके देखते हैं तो जो डिवीजन करेंगे तो आ जाएगा 4.6 क्या आएगा न्यूटन ठीक है इतना आ गया। देयरफॉर अब लास्ट ई उसने कहा एवरेज प्रेशर एफ एवरेज अपॉन एरिया एवरेज फोर्स 4.6 एरिया कितनी 0.5 इंटू 10^2 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर और ये -4 कितना है 0.5 मीटर स्क्वायर
मीटर में चेंज हो गया। अब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9.2 इंटू 10 रेज टू प्लस 4 कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एक आंसर हो गया, ठीक है। तो ये एक आंसर हो गया, ये आपके बस पहला हटाना पड़ा, नहीं तो सभी आपके सामने है, ठीक है। नोट कीजिए, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था, इट्स अ वेरी गुड न्यूमेरिकल। ओके, तो अभी हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। अब मेरे ख्याल से एक ही बचा है, बाकी नेक्स्ट वाला उसके बाद लास्ट क्या है वो तो थ्योरेटिकल है, वो आप कर लेना जो है उसको, थ्योरी आप पढ़िए और उस थ्योरेटिकल क्वेश्चन को देखिए, अपने आप आपसे हो जाएगा, बहुत इजी। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 17, बाकी सब हो गए तो 17 पे डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 70। एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है, आर है, और ये यहां से ठीक है, ठीक, कुछ ऐसी सिचुएशन है। तो इसको हम लोग जो है आइए सॉल्व करते हैं। तो अगर देखा जाए तो जो इसका टोटल मास रहा होगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम कंटेन करता है मास एमलेट, ऐसा हमने मान लिया। तो जो वो कट करके निकाल दिया गया वी डैश इक्वल्स टू 4/3 पाई आर बाई 2 ऑफ होल क्यूब, मतलब एम बाई कितना आ जाएगा 8, ठीक। तो ये अगर एम बाई 8 है, इतना वॉल्यूम जो है कितना मास कंटेन करता है, एम बाई 8। तो पहले तो हम लोग जो है इसको कैसे दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसका रिमेनिंग मास कितना होगा, रिमेनिंग मास m डैश इज इक्वल टू m माइनस m बाई 8, तो ये हो जाएगा 7m/8। तो आर सी एम इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपान m1 प्लस m2। तो कर देते हैं इसका m1 की वैल्यू कितना, ये 7m/8 इंटू r1। r1 कितनी हो जाएगी, हमने कुछ ऐसा कंसीडर कर लिया कि ये कहीं यहां कहीं होगा, मतलब मैंने कुछ तो भी x पकड़ लिया x, और ये कितना होगा मतलब m2 को हमने जो है अभी अभी निकाला, और कितना आया वो प्लस m बाई 8 इंटू r2। r2 वैल्यू कितनी है, r बाई 2 अपान m1 7m/8 प्लस m2 कितना m/8। लेकिन
ये केस तब कैसे अप्लाई होता है कि जब आप सेंटर ऑफ मास को ही क्या ओरिजिन पे, मतलब जब इनिशियली रियल में जब ये पूरा सॉलिड रहा होगा तब इसका सेंटर ऑफ मास कहां रखा गया, ओरिजिन पर रख के ये बात किया जाता है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। इस केस में हमें आपको यही ध्यान देना होगा कि यहां आरसीएम जो है वो कहां रखा गया है, ओरिजिन पर। जैसे ओरिजिन पर रखा ये जीरो हो गया, देयरफॉर ये 7m by 8 into x is equal to minus m by कितना 8 to जा 16 into r m r, ठीक है। और यहां से m कैंसिल हो गया, therefore x is equal to 8 1 जा 8 to जा और ये हो जाएगा r minus of r upon कितना 14। माइनस साइन ये बताता है कि इसकी ओरिजिन से ये किधर होगा, लेफ्ट में होगा, यहां कहीं होगा, मतलब x की वैल्यू कितनी है, माइनस r by 14 is your answer, ठीक है। ये आपका एक मेथड है, ठीक है। अब आइए दूसरे मेथड पे बात करते हैं कि अगर हम लोग सेकंड मेथड, ये इस बुक में ही खुद ही दिया देके रखा है कि दो मेथड आप कैसे यूज करेंगे। तो यहां पे क्या होता है कि m1 को पूरा मास और m2 को जो उसका मास, ठीक है, तो वैसा लिया जाता है। लेकिन यहां पर जो है जो ये मास कट करके निकाला जाता है उसे हम लोग क्या माइनस में लेते हैं। मतलब आप देखें, जैसे कि मैं बोलूं कि RCM is equals to, तो ये क्या होगा, M1 R1 plus M2 R2 upon M1 plus M2। तो M1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो ऐसा पूरा M है, और ये जो R1 है तो R1 हमने कहां ले लिया, जो है मतलब जो पूरा मास था उसका सेंटर ऑफ मास किधर रखा हुआ था, ओरिजिन पे, ये किधर हो गया, जीरो हो गया। माइनस m2, m2 का मास कितना है, m2 मतलब जो कट करके निकाल के रख दिया गया वो कितना, m अपॉन 8। और ये r2, r2 का इसका सेंटर ऑफ मास अपना किधर है, उससे r by 2 से अपॉन m1, m1 मतलब पहले वाले का मास, तो वो कितना होगा m, और माइनस सेकंड वाले का मास कितना, ये कितना है m by 8, तो उतना क्या करना पड़ता है माइनस। अभी ये आ जाएगा माइनस एम आर अपान कितना 16 अपान 7m by 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 वन जा 8 टू जा और m से m ये कट गया, फिर ये चला गया इधर, कितना आ गया, आर सी एम इज इक्वल टू माइनस आर अपान कितना 14 माइनस आर बाय कितना 14, ये 8 बन जाए, ठीक आ गया ना। तो ये उसके दोनों मेथड रहे। तो यहां से आपका ये लेसन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। बहुत ही अच्छा रहा इसका जो है, आप इसे नोट करें, और ये बहुत अच्छा लेसन रहा लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। आप फटाफट इसे नोट कर लें। तो आइए जो है कुछ छोटी छोटी बातें हो जाए। तो आपने देखा ये लेसन जो है, पहली बात तो पूरा वन बाय वन एक एक टॉपिक पर डिस्कस करते हुए, जहां यहां थोड़ी बहुत ड्रॉबैक्स थी उसको हटाते हुए, कुछ और इलस्ट्रेशन उसमें ऐड करते हुए, ये पूरी जो है थ्योरी को कंप्लीट किया, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद आपके एक एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे यहां डिस्कस किया गया है। तो जितने पूरे सॉल्व थे और जितने अनसॉल्व थे सभी के सभी सॉल्व कर दिए गए, और जितने सॉल्व थे वो भी आपको क्लियर कराया गया। अगर आप ये पूरा कंप्लीट पैकेज अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका जो है काफी हद तक, बहुत अच्छे हद तक आपका जो है कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये जो इधर दिया गया है वो 100% आपका रेडी हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कभी कभी जो है बहुत सारे जो है बुक्स में बहुत सारा पुली पिस्टन ये सब के क्वेश्चन आते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी जरूरत आने पर मैं आपको जो है उसका वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा, डाल दूंगा जो है आपके अपने चैनल पे। लेकिन मैं बताऊं जो है वो एग्जाम में उसकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है, बहुत कम, बहुत ही रेयर, तो इसलिए जो है शायद ये यहाँ पे बहुत ही कम रहता है। और जो आने वाले क्वेश्चन होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, जैसे आपने कोलिजन के देखे, इनके देखे, और पावर एनर्जी के देखा आपने, और कुछ लॉज ऑफ मोशन के, मतलब ये सब कंप्लीट एक जो है लॉज ऑफ मोशन का पैकेज रहा। तो आपने देखा और आपको बहुत ही अच्छा फील आएगा अगर आप ये पूरा हर एक वीडियो कंप्लीट करेंगे, तो आप जो है पढ़िए इसे, बुक भी पढ़िए,
और जो पढ़ाया गया उसे भी पढ़िए। मैंने